हमारे इंद्रेश संगीत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत पहुंच सके। अभी हम साली को छुआ भी नहीं करती लाई, चल चल तैयार। तो श्याम सिंह को धमकी दे रहे हो? नहीं, श्याम सिंह वो बना नहीं है जो तुमसे डर जाएगा। अगर तुम्हारे बाजू में ताकत है तो फैसला खुद ब खुद हो जाएगा। काले कौवे, अगर तेरे भुजाओं में बल है तो ये ठाकुर जसवंत सिंह का सामना कर और ये कुत्तों की तरह भौंकना बंद कर।
तो अपने आप को बहुत सुरमा समझते हो क्यों? सुरमा तो ठीक है, जो आज की जंग जीतेगा वही इस लड़की से वार्तालाप करेगा। हम ले जाएंगे, देखता हूं कौन किसे ले जाता है। ठीक है, तैयार हो जाओ। ठाकुर तो है, हम बड़े हरामी ठाकुर है, ये सारा रेजनरी वाला है। हाँ जी, आगे डॉक्टर जहरीला दांत खाज खजुली वाले निवासी तराई के रहने वाले हैं। 10 रुपए का पुरस्कार कर रहे हैं इस सीन को देखते हुए, जो एक कनुटरा ठाकुर पेल भार। क्या दर्जी, इधर आओ, एक काल लगता है तुम्हारा? ये मेरा कोई नहीं है। तो फिर मेरा दुश्मन है। दुश्मन? कब से? जब से? कब से? हाँ हाँ, यानी कि तुम्हें देखने ही नहीं पड़ता है। हाँ। तो ये तुम्हें छेड़ रहा था क्यों? जी हाँ। समझिए, हजारों लोगों का आने जाने का अड्डा है। हाँ हाँ, वो तो समझ रहा हूँ, वो तो समझ रहा हूँ, लेकिन क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम माधुरी है। माधुरी, कहाँ रहती हो? मैं इसी कोठे पे रहती हूँ। ओ, यानी कि कोठे वाली हो? जी हाँ। लेकिन तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। मुझसे? क्या सच बताओगी? वो कौन सी बात है? हाँ जी, ये बताओ। ये आ गए हमारे घर मालिक, हमारे घर मालिक की तरफ से हमारी पार्टी के लिए इस सीन को देखते हुए 51 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। पार्टी से बहुत बहुत सा धन्यवाद। माधुरी जी, ये जो तुम्हारे गले में हार है, ये तुम्हें कहां से मिला? अरे, ये हार मेरा है। क्या कहा? ये हार मेरा है। नहीं माधुरी, ये हार मेरा है। नहीं, ये हार मेरा है। नहीं माधुरी, अगर इस हार के विषय में नहीं बताओगी तो हम तुम्हें चांद से खत्म कर देंगे। ठहरो, आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं तो बता रही हूँ। ये हार मुझे दादर सिंह ने दिया था। दादर सिंह ने? जी हाँ, वो अपनी पत्नी को मार करके मेरे गले में हार डाला था। लेकिन उसने कहा है, और भी ये हार का भेद खोलेगी तो तुम्हारी जान चली जाएगी। नहीं, तुमने इस हार के विषय में बताया है, तुम्हें खरोच भी नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। तो क्या तुम मेरे साथ थोड़ा सा एहसान और भी कर सकते हो? ये हार मुझे दे दो। क्या तुम्हें? हाँ, अगर इस हार को तुम देगी तो तुम जो कहोगी मैं अवश्य करूंगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है, ये हार
हमें अपने मकसद तक पहुंचा दिया ना, तो मेरा वादा है एक दिन तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा। सरदार जी, एक दिन ले चलने का मौका नहीं है, क्योंकि इसकी भी जान खतरे में है, इसलिए हमें इसके बदले इसकी जरूरत भी पड़ सकती है, तो इसे भी साथ लेकर चलो। लेकर के चलना है। माधुरी, तुम कहीं नहीं जाओगी, सिर्फ मेरे साथ रहोगी। चलो आओ मेरे साथ। बोलो जय महाकाल। मुनिलाल साहब, जसवंत आया, ये आ गए। आओ आओ जसवंत, इनके महाकाल। अरे यार, लगता है जिंदगी का मजा आ गया। क्यों रे, मजा आ गया? चुप रे यार, साला अपना तो झंझट में फंसा था, हमको भी वहीं फेल दिया। क्या हुआ? अरे हुआ क्या यार? अरे साली, वो मधुरिया बहुत कड़क दिमाग की है। ये तो दादा सिंह जी का खेल है, वो यही लिए भेजा था परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा? अरे कह तो रहा कि वो रखेल है। अरे तो क्या हुआ यार? पहले तुमसे नहीं उचरी तो हमसे कहाँ उचरेगी? कुछ नहीं उचार पाया। उचारने की तो कोशिश किया, लेकिन ये साला काला भैंसा आ गया। वो काला भैंसा आ गया। उसने कहा मेरा नाम डाकू श्याम सिंह है। डाकू श्याम सिंह? हाँ। ये कहाँ से पैदा? भाग लाता ना तो ये हमारी शक्ल तुम नहीं देख पाते। कौन सी अम्मा का सपूत है वो? यार ये तो नहीं बता सकते। जब हम तुम्हारी अम्मा को नहीं बता सकते, तुम हमारी अम्मा को नहीं बता सकते, तो हम उकरी अम्मा को कैसे बता सकते? तुम्हारी अम्मा को तो हम बता सकते हैं बेटा। सही, देखो, लेकिन हम तुम्हारी भी अम्मा को बता सकते हैं दादर सिंह। पूछ रहे यार, वो गणेशी की दुल्हन को ना? नहीं, जाहिद की दुल्हन। हाँ, वो तो तुम्हारी पत्नी है। क्या करना है? हाँ बताओ। देख, कोई तरकीब ऐसा करे, काम करेगा, बता। तुम्हारी ससुराल जाएगा श्याम, वो श्याम वही तो हमारा सारा तो नहीं? हाँ, लगता तो ऐसे ही। कहीं ऐसा ना हो कि मधुरिया को लेकर यहाँ तक पहुँचे। अरे वो हार का राज खुल गया होगा। एक काम करेगा। हाँ बता ना यार। हमारी ससुराल जाए। हाँ। हमारी सास से जाए। अरे किस ससुराल जाए भैया, कुछ बताओगे? यार यही शमुआ के। अच्छा, सुनीता क्या? और जाके बुढ़िया से कह दे कि सुनीता, तेरे दामाद दादा सिंह का एक्सीडेंट हो। चुप रहो यार। क्यों? साला मर जिंदा खड़ा है फिर भी मरा है। अरे बेवकूफ, षड्यंत्र है। अच्छा अच्छा, राजनीति होनी चाहिए। हमरा वो एक्सीडेंट सुनेगी इतना तो हमारी सास है यार। हाँ हाँ, दौड़ती हुई आएगी। हाँ। जा जल्दी कर। ठीक है ठीक है। बोल जय महाकाल। जय महाकाल यार। जा जा। बोलो भैया जय महाकाल। आवाज लगाओ यार। राम राम जीजा जी, कैसे हो? श्याम, ये होलिया बनाने की क्या जरूरत थी? जीजा जी, वक्त का हर से गुलाम होता है। वक्त का हर से गुलाम होता है श्याम। आप ही का रहम कलम है जो हमने ऐसा। ठहरो ठहरो, पेट भरने के लिए मेहनत मजदूरी की जाती है। जीजा जी, आज हम तुम्हें खुशखबरी सुनाने आए हैं। खुशखबरी? हाँ जीजा जी। कौन सी खुशखबरी बताओ? अगर आप जलपान पहले करवाएं। कोई जरूरत नहीं है। पहले बताओ उसके बाद। अगर खुशखबरी सुनेंगे ना तो खुशियों से झूम उठेंगे जीजा जी। तो बोलो श्याम, जय महाकाल। बोलो। इसे पहचानते हो? देखो, ये तो वही है जो मधुरिया को दिया था।
ये हार इसे तो हम नहीं पहचानते। अरे जीजा जी, मेरी बहन बिमला का कातिल मिल गया है, मेरे भाई शंकर का कातिल मिल गया है। जीजा जी मिल गया है, मिला नहीं है। कौन है यार रामजा, कौन है रे, कौन है? बोल साले को भट्टा में झुकवा दे। अरे बोल राइफल मेरी बहन और मेरे भाई का खातिल तुम हो। धोखा खा रहा है श्याम? नहीं नहीं दादा सिंह, हम काम ये हार साफ साफ बता रहा है कि तुमने ही मेरी बहन का कत्ल किया है। ये हार, इससे आवाज आती है, ये कहता है कि दादा सिंह बिमला और शंकर का कातिल है। क्यों? हा हा, ये हार साबूत है, ये कह रहा है बेवकूफ श्याम। अगर तुम दादर सिंह की हवेली में ना होते तो तुम्हारी पति जुजबानी की सजा तुम्हें मिल चुकी होती। और हाँ, एक बात का ख्याल रहे, ये दादर सिंह की हवेली है, यहाँ पे आने वाले के पैर के निशान मिलते हैं, जाने वाले के नहीं। और हाँ, ऐसे साबूत बाजार में लाखों खरीदे जा सकते हैं। तब तुझे कौन साबूत चाहिए? अगर हमको कातिल ही ठहरा रहे हो तो जीता जागता साबूत लेकर आओ। तो नहीं क्या दादर सिंह, अगर तुम्हें यही मंजूर है तो हम तुम्हें जीता जागता हुआ साबूत जरूर पेश करेंगे। श्याम, ऊंची आवाज इन हवेली की ईंटों से टकराकर खामोश हो जाती है। जाओ आना वापस, साबूत लेकर आना। जाओ सेना, जीता जाता हुआ साबूत चाहिए। दादर सिंह को जीता जाता हुआ साबूत चाहिए। सेना, जाओ दादर सिंह के सामने जीता जाता हुआ साबूत पेश करो। गौर से देखो, ये है जीता। वाकई में रंडी किसी की नहीं होती, देख रहे हो हर जगह रंडी किसी की नहीं होती। ये साबूत है, ये कौन है जानते हो? कौन? रंडी। ए मधुरिया, हमारी रखेल थी तू, पूछ इससे कि दादा सिंह की रखेल थी। रंडी को पैसों पे कोई भी खरीद सकता है। क्यों भैया? सकता है ना? अरे रंडी तो रंडी, पैसों पे कोई भी खरीद सकता है। अगर मैं रंडी हूँ तू भड़ुआ जरूर होगा। हम तो तेरे साथ ऐसी भड़ुआई करेंगे, ऐसी भड़ुआई कि तू औरत होने पे पछताएगी। ये रंडी के सिवा कोई और साबूत लेकर आओ। जाओ जाओ यार, कोई डिस्टर्ब मत करो। जाओ बताओ इससे माधुरी, इससे सारे खर्चों पेश करो। अरे ये क्या बचाएगी? वो तो रंडी क्या बचाएगी? पूरे रंडी चप चप चप, मैं तेरे मुंह पे लात मारूंगी। ये रंडी ठाकुर के मुंह पर लात मारेगी, तेरे ऐसी जगह लात मारूंगा कि वो दर्द किसी को दिखा भी नहीं सकेगी तू। देख हमको डिस्टर्ब मत कर, हमको डायरेक्शन में मत उतार, नहीं पैदाइश बुलवा दूंगा तेरी। साबूत लेकर आ यार, साबूत लेकर आ। जा, हार इन्हें हमें दिया है।
बिमला को मारकर हार इन्होंने हमें दिया है। इसका मतलब बिमला का कातिल एक शाम हम कह रहे हैं फिर कि कोई अम्मा ऐसा लाल नहीं जन्मा की कह सके कि हम बिमला और शंकर के कातिल है। क्यों भैया कोई अम्मा ऐसा लाल नहीं जन्मा जो कह सके। दादर सिंह अपने आप को संभल जाओ वरना सारी की सारी गोलियां तुम्हारे भेजे में उतार दूंगा। शाम गलती कर रहे हो इस बंदूकी की गोली में दम ही नहीं की। दादा सिंह मरने के लिए तैयार हो। बांध से बांध ले बंदूक है बाहर के मारो। मेरी माँ को कुछ मत कहना कुछ नहीं कहे। बांध से बांध बांध तो अम्मा से भी बात करता। तेरी अम्मा को हम क्या कहेंगे। तेरी अम्मा से तो उनसे आज बात करेंगे हम। बांध दे बांध दे साले। ओ अम्मा पाय लागो मर जा कमीने कुत्ता कहीं का। हमने सुना कि सबने सुना हमने सुना कि सबने सुना का बोली अम्मा पाय लागो मर जा कमीने कुत्ता कहीं का न लायक। भैया किसी की ऐसी सास होगी जो दामाद को ऐसा आशीर्वाद देगी है? ऐसा आशीर्वाद अपने दामाद को देगी ऐसी सास होगी। पाय लागो श्याम अम्मा है तेरी। हाँ दोस्तें इसकी माँ है अपनी अपनी भूख में नो माह तुझे सींचा अपने खून से। अब देख तेरी अम्मा के सामने ऐसा तांडो रचूंगा ऐसा तांडो कि संसार में जितनी माँ हैं भगवान से दुआ करेंगे कि हे भगवान हमको बेटा नहीं देना। कितनी माँ को क्यों बेटा उसमें तो हमारी तुम्हारी भी माँ है ना। अरे तो हमारी माँ तो मर गई थी। तुम्हारी माँ सुनती होगी तो क्या कह रही थी। बेवकूफ अम्मा पाय लागो वाकई में बहुत बड़ा खमीना है हम इतना बड़ा खमीना कि शायद दूसरा जन्म आदमी लेगा तब सोचेगा कि हम कैसा कमीना है तब सोचेगा। हकीकत है ये हकीकत है कि हमने तेरी बहन बिमला को मारा बचाया। बोलो जय महाकाल। छोड़ यार इसे ये राजनीति जसवंत सिंह की थी। तेरी बहन के कारण पहले विस्तार से हमको बता। तेरी बहन के कारण कोई लड़का मारा गया था क्या नाम था। अरुण नाम था। अरुण अरुण कौन था कौन था वो डॉक्टर सिंह का भाई था। दादर सिंह का भाई था। चिकन का टुकड़ा था वो। दादर सिंह की दोनों आंखें थे रो अपने भाई अरुण का बदला चुकाने के लिए हमने तेरी बहन के साथ शादी का षड्यंत्र रखा। साले, खोके बस, कुत्ते।
हमने तेरे छोटे भाई शंकर को उसी जगह मारा, उसी जगह जिस जगह तेरे बेटों ने तुम सबने तड़पा तड़पा कर हमारे भाई को मारा था, उसी जगह हमने तड़पा तड़पा कर तेरे भाई को खलास किया। उसके बाद जसवंत सिंह तेरे छोटे भाई के खून के इल्जाम में तुझे जेल करवा दिया। जेल जाने के पश्चात हमने वकील से मिलकर, ए यहाँ का कानून हम सब की रखेल है, जूतों की थपक सुनते ही जेलर जो कहते हैं वो कानून लिख देता है। कान खोल कर सुन, हमने जमानत नामा तेरा निकलवाया हाईकोर्ट से, तेरी जमानत करवाई। जमानत करवाने के पश्चात हमने तेरी बहन को भी खलास कर दिया। खलास कर दिया मारने के बाद, अम्मा ओ अम्मा पाला गो, मारने के बाद अम्मा के पास लेकर आया। क्यों अम्मा? जय जय महाकाल माई। अम्मा के पास लाया लेकिन ये समझ नहीं सकी क्या हुआ क्या नहीं। देखो ज्यादा हमारे दिमाग को डिस्टर्ब मत करो, अब माँ बेटे ये डिसाइड कर लो कि पहले अम्मा मरेगी कि पहले बेटा मरेगी। मेरी माँ को कुछ मत कहना, नहीं मेरे सीने में जितनी भी गोलियां चाहे उतार दे लेकिन मेरी माँ को कुछ मत कहना। भैया कोई कोई अपने आंख से अपने औलाद को मरता देखेगा? जितना देख सकते हैं हाथ उठाओ। कोई अपने औलाद को मरते हुए देखेगा? नहीं देखेगा, नहीं देखेगा। और औलाद अम्मा को मरते देखेगा कि अम्मा पायला गो, तू सबसे पहले मुझे मार दे। हाँ हम डिसाइड खुद कर लिए हैं कि भाई बेटा को देख नहीं सकती है, लेकिन ये रंडी को क्या किया जाए। ओ रंडी कहो हम सबको भड़वा दिखाई दे रहे, भड़वाई तो कर रहा हूँ, ऐसी भड़वाई करूंगा रानी की याद रखोगी। जसवंत एक काम करते हैं, एक तरफ से सबको खलास कर किए देते हैं, निशाना लगाओ, मुर्दे को ज्यादा देर रखोगे तो बदबू देने लगता है। खलास करो, खत्म करो, खलास करो सबको। हम काशन बोले, अरे रंडी तेरे तो धांध करूंगा, जैसे बाजार में धांध है ना वैसे धांध करूंगा। हम कैसी भाषा बोल रहे हैं यहाँ के आदमी समझ भी रहे हैं। और सुन ए हमारी तरफ को मुखादिम हो, प्यार से शाबाश, जय महाकाल, निशाना लगाओ। इसका पोजीशन डाउन करो, साहब जी इससे कुछ बातें कर लो। अरे थानेदार क्यों रे साले नेपाली ठाकुर, कितने काल है तेरे रे? क्यों ये पुलिस वाला हम ठाकुरों का तलवा चाटता है, रे से बात कर रहा है। अरे तो बोल रहे जय महाकाल, क्या कहा थानेदार? कितने काल है तेरे? कितने काल? ये कौन है तेरी? अम्मा सास है हमारी। और ये कौन है? ये तो रंडी है सर।
हाँ राजा, अभी तो एक ही पोषा दिया है तुमने। क्या हरा? और लेगा क्या? और चाहिए? नहीं चाहिए अब। अरे एक बार और लेगा? हाँ चाहिए। इराशा तो है। इराशा है? अरे श्याम आपकी बात करिए अब। माधुरी हाँ, ये कनुतरा ठाकुर आवा है। ये राजनीति बताता था। हाँ यही राजनीति बता रहा है। इसके साले महाकाल हमको पिछवाए थे। ये वे साले चंदोल। ए, इसके कपड़े उतराओ। बहुत अच्छी बात है। क्या जसन सिंह हरामजादी बहुत माइंड रखता है। क्यों? माइंड नहीं, माइंड साला ये बैंड रखता है। ये बैंड और जैसा किया है तूने। देखो श्याम हमने किया है। एक एक मिनट भैया, भैया जब कोई करवाए ना तो कोई करे है? है? जब कोई करवाता है तभी करता है। हराम सादे जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिले क्या? बदी का बदीना, नेकी बदी का बदीना, तुझको यही मिले। फल उठाओ। ए लड़को, ए लड़को, शायद इधर उधर का भागे तो गुम्मा हेरे धरे रहो। ये आगे लालजी, लालजी और हमारे भाई राहुल निर्मल यही मऊ के रहने वाले हैं। 10-10 रुपए इनाम दर है। कहते हैं सारे कपड़े उतरवा के तो पिलाई करो। ए दादा सिंह इधर आ।
लंबो इसके सारे कपड़े उतरा लो। चल उतार कपड़े उतार भैया। के घर में कपड़ा कम है शादी नहीं के कहा थे भैया कहा गलत हम नहीं कहते जे कहा थे वो बताओ भैया के यहाँ कपड़ा कम है भौजी तुम्हारे यहाँ कम है कपड़ा जैके यहाँ कम हुआ भैया बता दियो कपड़ा ये कपड़ा उतरवावे जाओ दादा से मरने के लिए तैयार हो जाओ हराम शादी तेरे जुल्म का ठंडो समाप्त हो गया है। हाँ जी और ये आ गए मानिए बाबा रामदेव का कहना है कि साड़ी पहना के नचाओ एक उठाई गिर ठाकुर महाकाल वाले का ये 10 रुपए का पुरस्कार आ रहा है बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।